प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उप सह संयोजक यौगिकों में समावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक समान हो एवं उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उन्हें समावयवी आइसोमर एवं इस परिघटना को समावयवता आइसोमेरिज्म कहते हैं। उप सह संयोजक यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, प्रथम संरचनात्मक समावयवता, द्वितीय त्रिविम समावयवता। पहले हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में जानेंगे। जो यौगिक संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं तथा ये यौगिक संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनाओं के आधार पर इन्हें विभिन्न उप वर्गों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम आयनीकरण समावयवता। इस प्रकार की समावयवता में संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋणायनों का एक्सचेंज हो जाता है, अर्थात इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करने वाले संकुल यौगिकों के प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता से बंधे हुए ऋणायनों में परस्पर उनकी पोजीशन में परिवर्तन हो जाता है और इस कारण आयनन पर ये यौगिक भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं तथा परस्पर गुणों में भी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे इन दोनों संकुलों में ब्रोमाइड और सल्फेट आयन की पोजीशन विपरीत हैं। यह संकुल यौगिक बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ बेरियम सल्फेट का श्वेत अक्षेप देता है, जबकि यह संकुल बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ श्वेत अक्षेप नहीं देता है। यह संकुल AgNO3 के साथ हल्के पीले रंग का पीला अवक्षेप देता है। तो यहाँ पर इनके आयनीकरण में मुक्त हुए आयनों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, जिससे इनके रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है। दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है परंतु लिगेंड के भिन्न भिन्न बंधन के कारण आयनन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और आयनन समावयवी कहलाते हैं। इसे हम इस उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। इस संकुल यौगिक पर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जबकि इस पर AgNO3 की क्रिया कराने पर कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसी प्रकार से इस संकुल यौगिक में बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया होने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है और कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब इस संकुल यौगिक पर सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराई जाती है तब AgCl का PPT अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मुक्त हुए आयनों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, जिससे इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और यहाँ पर प्राप्त जो अवक्षेप है वो आयनों के मुक्त हुए आयनों की प्रकृति के आधार पर ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट हाइड्रेट समावयवता। यह आयनिक समावयवता का ही एक विशिष्ट प्रकार है, जिसमें संकुल आयन के भीतर व बाहर की पोजीशन में अंतर परिवर्तित होने वाले लिगेंड में एक लिगेंड जल अणु के रूप में होता है। अर्थात यह समावयवता उन संकुल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु जल के अणु विभिन्न रूपों में उपस्थित रहते हैं। जल का अणु लिगेंड के रूप में जुड़ा हो सकता है या फिर क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित हो सकता है। इसे हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे इस संकुल यौगिक में एक्जा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड में इस संकुल में सभी H2O लिगेंड के रूप में हैं और इस संकुल का रंग बैंगनी होता है। यह दूसरा संकुल जो है पेंटा एक्वा क्लोरोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड, यह यौगिक हरे रंग का होता है एवं टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाइहाइड्रेट, यह गहरे हरे रंग का संकुल है। इन तीनों संकुलों में आयनित होने वाले क्लोराइड आयन की संख्या क्रमशः 3, 2 और 1 है।
इस संकुल से आयनित होने वाले क्लोराइड की संख्या 3 है, जबकि इस संकुल से आयनित होने वाले क्लोराइड की संख्या 2 है, और इस संकुल यौगिक से आयनित होने वाले क्लोराइड की संख्या 1 है। इस आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। ये पहचान हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट द्वारा Cl आयनों को मात्रात्मक रूप से अवक्षेपित करके कर सकते हैं। नेक्स्ट बंद समावयवता। दोहरे दंतुक लिगेंडों में एक से अधिक परमाणु ऐसे होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर बंद बना सकते हैं, अर्थात इस प्रकार की समावयवता उन संकुलों में पाई जाती है जहां एक लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु के माध्यम से उप सह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के लिगेंड उभयदंतुक एम्फीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। जैसे NO2 नाइट्रो एम्फीडेंटेट लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता हैं, अतः किसी भी परमाणु के साथ बंध बनाने की संभावना है, अर्थात समावयवता की संभावना है। इस प्रकार दो संकुल समावयवी इसमें प्राप्त होते हैं जिन्हें बंद समावयवी कहते हैं। इस संकुल यौगिक का रंग लाल होता है। पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ ऑक्सीजन कोबाल्ट थर्ड आयन, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ कोबाल्ट आयन के साथ नाइट्रो जो समूह है उसका ओ जो परमाणु है वो इसके साथ उप सह संयोजक बंध बनाता है, जो कि इसके नाम में इसका संकेत लिखा जाता है वो ये प्रदर्शित करता है कि केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड का कौन सा परमाणु बंध बना रहा है। तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि नाइट्रो समूह का ऑक्सीजन परमाणु यहाँ कोबाल्ट के साथ उप सह संयोजक बंध बना रहा है। इसी प्रकार यह संकुल पीले रंग का होता है, पेंटाएमीन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड आयन। यहाँ पर इस संकुल में नाइट्रो लिगेंड का नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सह संयोजक बंध बनाता है, अर्थात ये दाता परमाणु की तरह कार्य करता है, जो पेंटाएमीन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड आयन। इसी प्रकार कुछ अन्य लिगेंड जैसे CN साइनो SCN आदि भी बंध समावयवता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट उप सह संयोजक समावयवता कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जहां धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन होते हैं। इन आयनों के लिगेंड में परस्पर परिवर्तन से उप सह संयोजक समावयवी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की समावयवता कुछ उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे जिसमें धनायन और ऋणायन संकुल आयन में दोनों में केंद्रीय धातु परमाणु समान होता है। तो इस तरह के उदाहरण में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लेटिनम के साथ 4 एमीन NH3 लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ प्लेटिनम के साथ 6 Cl क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए हैं, और इन दोनों में प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था भी भिन्न भिन्न है। तो इसका उप सह संयोजक समावयवी दूसरा जो होगा जिसमें प्लेटिनम के साथ एमीन लिगेंड 4 जुड़े हुए हैं, Cl क्लोरो लिगेंड 2 जुड़े हुए हैं, और इसमें प्लेटिनम के साथ Cl क्लोरो लिगेंड 4 जुड़े हुए हैं। तो ये एक दूसरे के उप सह संयोजक समावयवी हैं। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु हैं वो समान होते हैं, लेकिन जो दोनों संकुल हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन जो संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे इसमें सेकेंड ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इन स्वावियों में धनायन और ऋणायन में धातु समान है परंतु उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ भिन्न हैं। साथ ही उप सह संयोजक यौगिक बनाने वाले लिगेंड भी दोनों उप सह संयोजक कोष्ठकों में समान नहीं है। अन्य उदाहरण जिसमें हम दे सकते हैं कि संकुल धनायन और संकुल ऋणायन में धातु भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे इसमें देख रहे हैं यहाँ पर कोबाल्ट के साथ 6 NH3 एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ क्रोमीन के साथ 6 CN साइनो लिगेंड जुड़े हुए हैं, जबकि इसी के दूसरे समावयवी में यहाँ पर क्रोमीन के साथ
NH3 छः लिगेंड जुड़े हुए हैं और कोबाल्ट के साथ छः साइनो लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों संकुल आयनों में लिगेंड के अंतर परिवर्तन से जो समावयवी बनते हैं उन्हें उपसह संयोजक समावयवी कहते हैं। नेक्स्ट, उपसह संयोजक स्थिति समावयवता कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समावयवता बहुनाभिक पॉलीन्यूक्लियर संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इसमें दोनों धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड की पोजीशन परिवर्तित हो जाती है। सेतु बंधों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन है वो परिवर्तित हो जाती है। यहाँ कोबाल्ट के साथ एमीन चार लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ CO कोबाल्ट के साथ चार CL क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए हैं, जबकि इसमें कोबाल्ट के साथ दो NH3 दो एमीन और दो CL दो क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी दो एमीन और दो क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से लिगेंड की पोजीशन है वो इसमें परिवर्तित हो जाती है, जिससे उपसह समावयवता बनती है। नेक्स्ट, लिगेंड समावयवता। कुछ लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के लिगेंड जब संकुलों में उपस्थित होते हैं तो वे लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए 1,2-diaminopropane एंड 1,3-diaminopropane दोनों लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करते हैं। 1,2-diaminopropane को संक्षेप में PN से, एम 1,3-diaminopropane को संक्षेप में TN से लिखते हैं। 1,3-diaminopropane को संक्षेप में TN से लिखा जाता है। तो इस समावयवता के अंदर जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समावयवता दर्शाते हैं वे संकुलों में इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, बहुलकीकरण समावयवता पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समावयवों को परिभाषा के अनुसार वास्तव में सही रूप में समावयवी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके अणुसूत्र तो समान नहीं होते। इन समावयवों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, इसलिए इन्हें समावयवी मान लिया गया है। हम इस उदाहरण से यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं इसको। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि पहले की तुलना में दूसरे संकुल में तत्वों के अणु पहले तत्वों की अपेक्षा दोगुने हैं और तीसरे संकुल में 3 गुने हैं इसके। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि तीनों संकुल के अणुसूत्र भिन्न भिन्न हैं परंतु मूलानुपाती सूत्र समान है। अर्थात संकुलों में किसी इकाई का बहुलीकरण नहीं हो रहा है, फिर भी ये नाम जो है बहुलीकरण समावयवता पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म अभी भी प्रचलन में है, जबकि वास्तव में यह सही अर्थों में समावयवता नहीं है। अतः उपसह संयोजक यौगिक उपरोक्त प्रकार की संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।